आदमपुर थाना अंतर्गत राजघाट के मालवीय पुल पर चढ़कर मंगलवार को एक युवक ने हंगामा कर दिया। सारनाथ के दीनापुर इलाके के रहने वाले नवीन मौर्य के पुल पर चढ़ने की सूचना पर रामनगर और ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन मामला आदमपुर थाने का बताकर वे केवल तमाशबीन बने रहे। परिजनों ने किसी तरह उसे सुरक्षित नीचे उतारा और घर ले गए। बड़गांव थाना क्षेत्र के जौनपुर वाराणसी हाईवे पर मंगलवार दोपहर एक 12 वर्षीय स्कूली छात्रा की तेज रफ्तार ट्रक से टक्कर के बाद दर्दनाक मौत हो गई। इस दौरान ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर घंटों जाम किया। बड़गांव पुलिस मौके पर पहुंची और एक घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों को शांत कर जाम हटवाया। जीतिया व्रत के शुभ अवसर पर शहर के बाजारों में रौनक और चहल पहल बढ़ गई है। खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं बाजारों में उमड़ पड़ी, जिससे दुकानदारों के चेहरे भी खिल उठे। मिठाइयों, पूजा सामग्री, वस्त्र और आभूषणों की दुकान पर ग्राहकों की भारी भीड़ देखी गई। इसके अलावा पारंपरिक कपड़े, चूड़ियां और श्रृंगार के सामानों की जमकर खरीदारी हो रही है। सितंबर में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तीखी धूप और गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। इससे लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। अस्पतालों में सर्दी, जुकाम, बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। पिछले दिनों चक्रवाती तूफान के असर से लगातार दो दिनों की बारिश की वजह से तापमान काफी नीचे चला गया था। हालांकि चक्रवात का असर समाप्त होने के बाद मौसम साफ हो गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 46वां दीक्षांत समारोह बुधवार को गांधी अध्ययन पीठ सभागार में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए मंगलवार को कुलपति आनंद कुमार त्यागी ने विधि विधान से भूमि पूजन किया। कुल सचिव डॉक्टर सुनीता पांडे ने बताया कि समारोह में स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ता विद्यार्थी, शोध उपाधि धारक और उत्कृष्ट खिलाड़ी सुबह 8:30 बजे तक अपने निर्धारित स्थानों पर उपस्थित हो जाएं। जनपद में गंगा के जलस्तर में गिरावट जारी है। जहां पिछले 4-5 दिनों में गंगा के जलस्तर में लगातार कमी आ रही है, वहीं मंगलवार को भी 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जलस्तर में गिरावट दर्ज किया गया। बीते 24 घंटे में 2 फीट पानी कम हुआ है। जलस्तर के घटाव के बाद घाटों पर सिल्ट जमा होने से लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। जलस्तर घट रहा है और अभी धीमा है, मतलब 24 घंटे में 1 सीढ़ी 1.5 सीढ़ी करके ऐसे जा रहा है और बहुत कीचड़ हो गया है यहाँ पर इतना कि मतलब दर्शनार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया है। तर्पण करने वालों के लिए बहुत बड़ी परेशानी, समस्या खड़ी हो गई है। इसके लिए बात करें अगर गंगा जी के घटने के बाद तो इतनी समस्याएं लोगों को हो रही है? बहुत लोगों को हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा तो तर्पण करने वालों के लिए दिक्कत है। वो कीचड़ में धस धस के जा रहे हैं, कीचड़ में ही गोता लगा रहे हैं। इस समय जो स्थिति है वो कीचड़ में ही गोता लगा करके लोग तर्पण कर रहे हैं। कितनी फीट मिट्टी अभी जमा है जो है सिल्ट जो घाटों पे? अभी सिल्ट तो जैसे यहाँ पर है तो करीबन 3 फीट से 4 फीट तक का है। इस फर्श पे जो 80 घाट का फर्श है उस पर 3-4 फीट है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का 42वां दीक्षांत समारोह गुरुवार को विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक मुख्य भवन में आयोजित किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और विश्वविद्यालय की कुलाधिपति महामहिम आनंदीबेन पटेल करेंगी। इसकी जानकारी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने दी। 42वां दीक्षांत महोत्सव आयोजित कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हम निरंतर गतिमान हों इसकी चिंता करते हुए हमारी प्रेरणा स्रोत उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों की यशस्विनी कुलाधिपति श्री राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी की प्रेरणा से हर विश्वविद्यालय अपना अपना दीक्षांत समारोह आयोजित कर रहा है। और न केवल दीक्षांत समारोह आयोजित कर रहा है बल्कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की कसौटी पर खरे उतर करके उत्तर प्रदेश जो शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर पिछड़ा हुआ माना जाता था, आज उस प्रदेश में लगभग 6 विश्वविद्यालय A++ NAC की ग्रेडिंग प्राप्त किए। इस सब का श्रेय अगर किसी को जाता है तो महामहिम शालीन उत्तर प्रदेश की यशस्विनी राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी को जाता है। श्री राम के विवाह के बाद अयोध्या के राजा दशरथ बेहद प्रसन्न थे और समस्त अयोध्यावासी आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। राजा दशरथ की दूसरी पत्नी कैकेयी ने श्री राम के राजतिलक को रोकते हुए अयोध्या में दुख का साया फैला दिया। मंथरा की बातों से प्रभावित होकर कैकेयी ने राजा दशरथ से वरदान मांग लिया, जिसने न केवल दशरथ को बल्कि समूची अयोध्या को शोकाकुल कर दिया। दशरथ सुत कर गाए हैं, जप तप व्रत योग दान विमल विराग ज्ञान विज्ञान करके मुनि लोग यही को पावे हैं।
वाराणसी के ई रिक्शा चालकों ने मंगलवार को हड़ताल और चक्का जाम का आह्वान किया था, जिसकी भनक प्रशासनिक अधिकारियों को लगते ही पुलिस ने मंगलवार तड़के सुबह ई रिक्शा यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण काशी को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद ई रिक्शा आक्रोशित हो गए। पुलिस के अधिकारियों ने शास्त्री घाट पर प्रदर्शनरत ई रिक्शा चालकों को बलपूर्वक हटाया। इस दौरान पुलिस की ई रिक्शा चालकों से कुछ कहासुनी भी हुई। जनपद वाराणसी में सुगम यातायात हेतु सिस्टमिक तरीके से ई रिक्शा और टोटो चलाने के बारकोड सिस्टम और रूट की व्यवस्था की गई थी। इसमें जनपद वासियों द्वारा ये काफ़ी आभार भी किए कि ये वेलकम स्टेक है, और इसके विरोध में कुछ लोग यहाँ शास्त्री घाट में धरना प्रदर्शन करने की कोशिश किए थे, लेकिन यहाँ कोई धरना प्रदर्शन करने की कोई परमिशन नहीं था, इसलिए पुलिस की उपस्थिति में सबको हटाया गया है। सर, प्रशासन ने कहा है कि बारकोड को मानना पड़ेगा और इसके लिए सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, तो सर झुकने के लिए तैयार नहीं है और आप लोगों ने काशी जो प्रवीण काशी उनको यहाँ से ले गए उठा कर ऐसा आरोप लग रहा है? नहीं, ये जो बारकोड सिस्टम है सबके लिए फ़ायदा की बात है, क्योंकि ये पहले ये होता था कि हर ऑटो वाले एक ही रूट में जाना चाहते थे, तो इस वजह से ट्रैफिक का भी दिक्कत रहते हैं और उनका जो भी टूरिस्ट है टूरिस्ट के लिए भी दिक्कत रहते हैं। इसमें ये जब ये पूरा जनपद को एक्सेस कर सकते तो ये बारकोड सिस्टम है फ़ायदे की बात है, ये लंबे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है इसके लिए। तो नहीं, जब भी सिस्टम बना रखे हैं जी, सिस्टम चलने दीजिए, तब आपको फ़ायदा पता चल जाएगा कि क्या है मतलब, और अगर कोई इसमें कोई दिक्कत है तो वो बात की बात है, वो देखा जाएगा। लेकिन ये जो व्यवस्था है ये सुगम यातायात के लिए बनारस में सबसे बड़ा दिक्कत है कि ट्रैफिक का, और इसमें ये जनपद वासियों द्वारा भी आभार भी व्यक्त किया कि ऐसे ये व्यवस्था के आने के बाद काफ़ी राहत मिली है ट्रैफिक। टोटो वाले सर यहाँ पे आरोप लगा रहे थे कि हम सुगम तरीके से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, हमें हटा दिया गया। सर, ये दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे तो आप क्या कार्रवाई करेंगे या नहीं? कोई परमिशन नहीं था इसलिए हटाया गया।